जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल मैं खेत में जा रहा हूँ, ये वाली साइकिल लेके जानी है और इसकी चेन गिरी हुई है। देखो ये देखो, नदी में पानी के लेवल बहुत कम हो गया है। एक व्लॉग में मैंने दिखाया था, यहीं पे हमने अपनी गाड़ी धोई थी और तब यहाँ पे पानी बहुत सारा था। तो फाइनली यहाँ पे खेत में पहुँच गए, ये साइकिल यहाँ पे पेड़ को लगा दी है। तो यहाँ पे हमारे खेत में रोटर करना शुरू है, तो गाइस इसके बाद में यहाँ पे हरभरा पेरना है। तो ये आधा खेत हो चुका है, आधा बाकी है। ये देखो गाइस, ट्रैक्टर के पीछे ही रहते हैं जमीन के अंदर के कीड़ों को खाने के लिए। पास वाले खेत में मिनी स्प्रिंकलर्स लगाने शुरू है, तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। साइकिल भी मस्त यहाँ पे लेटी हुई है और सभी जानवर यहाँ पे बांधे हुए हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। तो गाइस फिलहाल मैं घर की ओर जा रहा हूँ क्योंकि हमारे मामा आए हुए थे। तो गाइस मैं अभी आया हूँ अपने ओल्ड स्कूल के पास जहाँ पे मैं चौथी तक सीखा था। तो यहाँ पे थोड़ा काम था तो इसलिए आना पड़ा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे काम ही था तो सोचा यहाँ पे भी एक वीडियो ले ही लेते हैं अपने ओल्ड स्कूल में। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं, हमारे वक्त में तो था, मतलब बहुत कुछ था पर इतना नहीं था। तो ये पुरानी वाली चक्री जहाँ पे हम बैठ के घुमा करते थे इसमें, और गाइस इसी ग्राउंड में हम खेला करते थे। तो यहाँ पे है कबड्डी का ग्राउंड। हमारे चाचा से भी मिल लिया जो स्कूल बस में थे हमारे, तो ये रोज आया करते थे हमें लेने के लिए। और ये हमारे स्कूल के ड्राइवर, मतलब जब हम थे तब। तो गाइस हमारे वक्त में ये नहीं था, ये नया हुआ है अब। और ये थी हमारी स्कूल बस जिसमें हम जाना आना करते थे रोज। तो गाइस यहाँ से तो जा रहा हूँ मैं घर की ओर क्योंकि हमारा काम भी हो चुका है। और भाई वहाँ से बच्चों से मिला तो वो बहुत शोर कर रहे थे, बोलने ही नहीं दे रहे थे कुछ, तो वहाँ से निकल आया मैं। तो इनकी यहाँ पे कबड्डी शुरू है फिलहाल और इनका यहाँ पे घसरगुंडी पे खेलना। तो फिलहाल निकल गया हूँ मैं यहाँ से। चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो गाइस कहीं पे पास वाले गांव में जाना हो तो मैं कुछ इस तरह से बांध के जाता हूँ क्योंकि हवा नहीं जाती आंखों में, और दूर कहीं जाना हो तो हेलमेट है ही अपना। तो ये आ गया अपना गांव, तो घर पे पहुँच गए, ये लेने गया था मैं। फिर से एक बार खेत में जा रहा हूँ, फिर से एक बार गाड़ी उठा के चल दिए। तो फिर से एक बार खेत की ओर जा रहा हूँ, खेत में पहुँच गए। तो पहले साइकिल पे आया था, अब गाड़ी पे आया हूँ। तो गाइस मैंने गाड़ी पे जो क्लिप्स निकाले, वीडियो निकाले, वो एकदम सेफली निकाले हैं, तो आप ऐसा ट्राई मत करना। मैंने जो लिए एकदम कम स्पीड में और एकदम सेफली लिए हैं, तो हाँ इतना ही बताना था। तो इनको ऐसे दूर तक बांधा हुआ है चरने के लिए, यहाँ से सीधा वहाँ तक। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगाने शुरू है, तो कुछ इस तरह का काम चल रहा है हमारा। तो गाइस यहाँ पे रोटर के बाद हरभरा पेरना शुरू है। तो गाइस पेरना तो हो चुका है, फिलहाल इनको चराना शुरू है पराठी में। The next day. तो फिर से वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। तो कल खेत में से जब आया तो मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो फिर तब से अब सीधा अब ले रहा हूँ ब्लॉग। तो फिलहाल यहाँ पे पालकी सजानी शुरू है हमारी,
और ये यहाँ पे हार कर रहे हैं आनंद जी। तो यहाँ पे पूरी पालकी को हार लगाने हैं। तो यहाँ पे पूरे हार लगा रहे, ये पूरा मंदिर साफ कर रहे है। तो फाइनल गाइस अपनी पालकी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे सभी कुछ होने के बाद पालकी के हार और फूल निकाल दिए हैं। यहाँ पे पूरे फूल ही फूल रखे हैं। और देखो गाइस बिना फूलों की पालकी कैसी लगती है हमारी। और यहाँ पे सभी पैकअप हो चुका है, सभी साफ सफाई हो रही है यहाँ पे। तो गाइस सबसे मेन बात तो पता नहीं रह गई थी, तो आज संजीवन समाधि सोहरा है श्री ज्ञानेश्वर महाराज का, तो इसीलिए आज हमारे गाँव से झंडी निकली थी। और 7 दिन का पारायण रहा था श्री ज्ञानेश्वरी पारायण, ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण। तो फाइनल ब्लॉग को ये भी करता हूँ। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय महाराज।